दोस्तों इन दिनों हर जगह क्रिसमस की धूम है। पूरी दुनिया में त्योहार बड़ी खुशी से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। दुनिया में यीशु को इंसान के रूप में भगवान का अवतार माना जाता है जिन्होंने इस दुनिया से बुराई को मिटाने पर जोर दिया। लेकिन वो कैसे इस दुनिया में आए और आखिर क्यों कैसे उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, इन सब सवालों के जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में। वैसे तो ईसा मसीह के जन्म को लेकर लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन दोस्तों ईसा मसीह के जन्म को लेकर बाइबल में जो कहानी है उसका सबसे ऊपर रखा जाता है। बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह का जन्म मरियम नाम की महिला के गर्भ से हुआ। ये महिला वर्तमान इजराइल के नाजरत गांव में रहा करती थी, जिसकी सगाई यूसुफ नाम के एक शख्स से हुई थी। ये दोनों ही दिल के बहुत भले इंसान थे। कहा जाता है कि एक बार मरियम के पास एक एंजल आई जिसका नाम गैब्रियल था। ये एंजल यानी कि परी भगवान का मैसेज लेकर मरियम के पास आई थी। एंजल गैब्रियल ने उस समय मरियम से कहा था कि इस बार भगवान इस दुनिया में एक पवित्र आत्मा को भेजना चाहते हैं। ये बात सुनकर मरियम एकदम घबरा गई थी क्योंकि तब तक उसकी शादी यूसुफ से नहीं हुई थी और ऐसे में वो बच्चे को जन्म कैसे दे सकती थी। तब उस परी ने उसे ईश्वर का चमत्कार बताते हुए उसे चिंता ना करने के लिए कहा। कहा जाता है कि इस दौरान मरियम अपने कजिन के यहाँ चली गई थी। वहां से वो 3 महीने बाद आई थी और तब तक वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जिसके बाद यूसुफ ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसी रात यूसुफ के सपने में भगवान ने एक ईश्वर दूत यानी कि एक एंजल को भेजा और इस एंजल ने मरियम के गर्भ यानी कि वूम से एक पवित्र आत्मा के जन्म लेने के रहस्य के बारे में बताया और एंजल ने यूसुफ को मरियम से शादी करने के लिए कहा, जिसके बाद यूसुफ ने मरियम से शादी कर ली। माना जाता है कि अपनी शादी के बाद जब मरियम और यूसुफ नाजरत में थे और मरियम प्रेग्नेंट थी, उसी दौरान वहां के रोमन सम्राट ने आदेश दिया कि उस देश के सभी लोगों की गिनती यानी कि जनगणना करवानी है और जनगणना करने के लिए हर इंसान को बेतलहम में जाकर अपना नाम दर्ज करवाना होगा। उस समय वहां के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे और धर्मशाला में रुके थे। सम्राट के आदेश पर यूसुफ और मरियम भी बेतलहम जनगणना के लिए चले गए थे, लेकिन उस दौरान वहां पर उनको रुकने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिली थी क्योंकि तब तक वो पूरी तरह से लोगों से भर चुकी थी। जगह नहीं मिलने पर उन्होंने जानवरों के खलिहान में यानी कि एनिमल शेड में बसेरा डाला था। इसी जगह पर मरियम ने 25 दिसंबर की रात को ग्रेट लॉर्ड ईसा मसीह को जन्म दिया, जिसका नाम यीशु रखा गया। उस रात भेड़ों के झुंड की रखवाली के लिए कुछ गड़रिया यानी कि शेफर्ड्स वहां पर मौजूद थे। तब उन गड़रियों को एक फरिश्ते यानी कि एंजल ने जाकर उस खुशखबरी के बारे में बताया। एंजल ने शेफर्ड्स को बताया, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, धरती पर ईश्वर के पुत्र का जन्म हुआ है। आज की रात तो बहुत ही शुभ है, तुम्हारे सेवियर यानी कि रखवाले ने जन्म लिया है, इसका तुम जश्न मनाओ। वो बालक तुम्हें चारा खिलाने वाली एक नांद में मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद आकाश में कई सारे एंजल्स दिखाई दिए जिन्होंने यीशु के लिए गाने गाए और इस तरह सबने यीशु का स्वागत किया। कहा जाता है कि जिस दिन यीशु का जन्म हुआ था उस दिन दुनिया के 3 सज्जन आदमियों को आसमान का एक तारा दिखा था, जिस तारे को क्रिसमस का तारा भी कहा जाता है। वो इस तारे को देखकर समझ गए थे कि इस धरती पर किसी पवित्र आत्मा ने जन्म लिया है। आपको बता दें कि यूसुफ पेशे से कारपेंटर था। यीशु के जन्म के बाद यीशु के पिता यानी कि यूसुफ वापस अपने गांव आने के बाद अपना कारपेंटरी का काम करने लगे। इधर यीशु भी थोड़े बड़े होने के बाद अपने पिता के साथ ये काम सीखने लगे। लगभग 30 साल की उम्र तक वो इसी गाँव में अपने पिता के साथ रहकर एक बढ़ई का काम करते थे। हालांकि बाइबल में भी ईसा मसीह के 13 से लेकर 29 साल की उम्र के बारे में कहीं भी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ किताबों में कहा गया है कि इस उम्र में ईसा मसीह भारत में भी घूमने आए थे, जहां पर उन्होंने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी। कहा जाता है कि जब ईसा मसीह भारत आए थे उस समय वो कश्मीर के शाहीवाहन राजा से भी मिले थे। ईसा मसीह की असली कहानी की शुरुआत हुई जब उन्होंने 30 साल की उम्र में यहूनना जॉन नाम के संत से शिक्षा ग्रहण की। अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद ईसा मसीह ने उपदेश देना शुरू कर दिया था। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। वो अपने उपदेशों में कहा करते थे कि ईश्वर साक्षात प्रेम का रूप है जो सभी लोगों से प्यार करते हैं। यीशु अक्सर कहा करते थे कि सब लोग गॉड के ही बच्चे हैं, इसलिए इंसान को गुस्से में आकर किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, गलती हो जाने पर माफ कर देना चाहिए और वही सच्चा इंसान होता है। इस तरह से ईसा मसीह ने काफी सारे उपदेश दिए। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीह हैं, वे ही स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग हैं। ईसा मसीह ने सभी को मानवता का पाठ पढ़ाया, नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। ईसा मसीह ने 12 शिष्य भी बनाए थे। 12 शिष्यों ने भी यीशु से शिक्षा लेकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। कहा जाता है कि ईसा मसीह ने धर्म प्रचार के दौरान कई ऐसे चमत्कार भी किए थे जिनसे लोग हैरान हो गए थे। यीशु ने प्रार्थना के जरिए बीमार लोगों को ठीक किया था। बाइबल में भी इनके चमत्कार के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने अपनी शक्ति के बलबूते लोगों को जिंदा भी किया था। वहीं दुष्ट आत्माओं से परेशान लोगों को मुक्ति भी दिलाई थी।
हालांकि ईसा मसीह के उपदेश यहूदी धर्म यानी कि जुडेज्म की मान्यताओं से काफी अलग थे, जिसके कारण इनके कुछ उपदेश यहूदियों के कट्टरपंथी लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, जिसके कारण वो ईसा मसीह के विरोधी बन चुके थे। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे थे जो यीशु के उपदेशों से काफी खुश थे। ईसा मसीह यहूदियों के त्योहार मनाने के लिए यरूशलम के मंदिर आया करते थे, लेकिन वे उनके धर्म को पूरा नहीं मानते थे। ईसा मसीह के मुताबिक शास्त्रों में जो लिखा गया था वो धर्म नहीं बल्कि नैतिकता ही धर्म है। यीशु के समय यहूदी बहुल राज्य यानी कि ईविश डोमिनेटेड किंगडम पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था। उसने एक गवर्नर को नियुक्त किया जो राज्य की शासन व्यवस्था को देखता था। इस दौरान ईसा मसीह अपने चमत्कारों की वजह से यहूदी लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे और इसराइल की जनता ने मान लिया था कि यही वो मसीहा है जो उन्हें रोमन साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस दौरान ईसा मसीह की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यहूदी के कुछ कट्टरपंथी लोग उन्हें नापसंद करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि ईसा मसीह एक नया धर्म स्थापित करना चाहते हैं जिसका संबंध यरूशलम के मंदिर से नहीं है, जिसके कारण वो ईसा मसीह को यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। यीशु की इन सभी बातों से परेशान होकर कुछ कट्टरपंथी यहूदी लोग उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस के पास शिकायत करने के लिए गए। कहा जाता है कि पिलातुस को ईसा मसीह के उपदेश से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रोमन लोगों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था, जिसके कारण कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा मसीह को मौत की दर्दनाक सजा सुना दी। जैसा कि हमने आपको बताया कि यीशु ने अपने 12 शिष्य बना रखे थे, तो उन्होंने अपने शरीर छोड़ने से पहले अपने शिष्यों को शिक्षा दी ताकि उनके बाद जगह जगह जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। कहा जाता है कि 29वीं ईस्वी में एक दिन ईसा मसीह गधी पर सवार होकर यरूशलम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने सभी 12 शिष्यों के साथ आखिरी बार खाना खाया और वहीं पर उन्हें दंडित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। कहा जाता है कि षड्यंत्र में उनके एक शिष्य जुदास ने साथ दिया था। कहा जाता है कि गिरफ्तार करने के बाद ईसा मसीह पर बहुत जुल्म किए गए, उन्हें क्रूर सजा दी गई, कोड़ों से मारा गया। इसके बाद ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने से पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस को उठाने के लिए कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर जहां तक लेकर जा सकते थे वहां तक लेकर गए और उसके बाद उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप अपने ऊपर ले लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा वापस जिंदा होकर उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। जिस दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। वहीं इसके 3 दिन बाद जिस दिन यीशु स्वर्ग गए उसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो यीशु को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया ये तो किसी को इसके बारे में ढंग से पता नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यीशु को 7 अप्रैल 30 ईस्वी या फिर 3 अप्रैल 33 ईस्वी इन दोनों में से एक दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को जिस जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था उस जगह को गोल गोथा नाम से जाना जाता है। ये जगह इसराइल की राजधानी यरूशलम में ईसाई क्षेत्र में, इसे ही हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लैजेलेशन है। चर्च ऑफ फ्लैजेलेशन का वो स्थान माना जाता है जहाँ सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोल गोथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था। इसलिए होली स्कल्पचर से चर्च ऑफ फ्लैजेलेशन तक के मार्ग को दुख या पीड़ा का मार्ग माना जाता है। दोस्तों ये थी यीशु मसीह की कहानी। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।